सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको गेहूं का दरिया घर में बनाना सिखाऊंगी जो कि काफी शुद्ध रहेगा, इसमें कुछ मिलावट का आशंका नहीं रहेगा। आप इसको घर में बना के इसका स्वाद लीजिए। ये गेहूं है, जैसे हम अनाज को पिसवाने के लिए धो लेते हैं तो हम इसको धो के रखे हैं सुखा के अच्छी तरह से साफ करके। अब हम इसका दरिया बना के आपको दिखाएंगे, घर में मिक्सी में बना के दिखा रहे हैं आपको। ये झन्नी है लोहे की, इसको हार्डवेयर में आप मांगेंगे 100-100 गेहूं से 100-100 अलग करने वाली झन्नी तो मिल जाएगा आपको हार्डवेयर में, जिसमें मैं कि हर चीज़ आपको ये मूंग भी भून के दिखाई थी जब मगज का लड्डू बनाई थी। तो ये दरा गया है तो इसको हम इससे छान लेंगे। जैसे कि जहाँ पर सूजी और मैदा जहाँ पर तैयार होता है वहाँ का भी विधि यही रहता है, जहाँ मैदा बनता है उसी कंपनी में सूजी भी बनता है। सूजी का जो गेहूँ से ही बनता है सूजी और मैदा, गेहूं का मोटा वाले भाग को छिलका ऊपर वाला भाग होता है उसका सूजी बनता है और नीचे वाला जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसका मैदा बनता है। जब हम आपको ये बना के दिखा रहे हैं इसको मतलब इसलिए छान रहे हैं कि ये एकदम से जो मोटा वाला भाग है वो निकल जाए। ये मोटा वाला भाग है, इसको हम एक बार और दरेंगे मिक्सी में और फिर हम मिला देंगे। तो इसको मैं दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे कि इसमें मैं एक आटा छानने वाली जो चलनी होती है उसको छानूंगी तो इसमें पतला पतला आटा निकलेगा, तो उस आटे को आप बाकी आटा में मिला के, जैसे मान लो ये आधा किलो आटा सान रहे हैं तो दो मुट्ठी इस आटे को भी मिला देंगे। कहे कि ये मोटा होता है, मैं भी आपको दिखाऊंगी, या इसका हलवा वगैरह भी आप बना सकती हैं। तो इसको मैं एक बार और दर के फिर उसमें मिला दूंगी। तो आज के समय में हर घर में दरिया बनाते हैं, जो चावल वगैरह नहीं पसंद करते हैं नाश्ता में भी दरिया का खीर बनाते हैं, दरिया की खिचड़ी बनाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट होता है, काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं रहता कि जो नुकसान करे, मोटापा बढ़ाए या ऐसा कोई चीज़। अब जैसे कि ये मोटा है तो हम और गेहूँ जिसमें आपको दिखाना चाहूँगी, इसमें हम ये वाला भी गेहूं डालेंगे तो हम इसी में इसको मिला देंगे। काहे कि इतना कम है तो ये नहीं हो पाएगा, फिर मैं इसको भी बना के आपको दिखा रही हूँ। तो हम अपने घर में ही दरिया तैयार करते हैं। इसको हम फिर से इसी झन्नी में छान लेते हैं। तो जो बाजार की दरिया होती है वो काफ़ी मतलब और थोड़ा पतला कर देते हैं, ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा दरदरा रहता है तो ज़्यादा अच्छा। जो मैं छन्नी से जो छान रही हूँ ये दरिया, ये थोड़ा सा उससे मोटा है, मतलब ये काफ़ी अच्छा रहेगा और पकाने में पक भी जाएगा। जैसे भी आप दरिया इस्तेमाल करते हो उसी तरीके से आप इसको भी इस्तेमाल करें। और बात करने से पता लगा, मतलब जो भी हमको देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि भाई वो गेहूं को घर में नहीं पिसवा के आटा ही खरीद लेते हैं, तो मैं उन लोगों को भी बोलूँगी कि ठीक है आप आटा खरीद लेते हो, हो सकता है सुखवाने धोने का सुविधा ना हो, लेकिन आप दरिया बनाने के लिए गेहूं ज़रूर ले आना और धो के ज़रूर अपने घर में दरिया बनाना। तो ये हो गया, ये एक किलो गेहूं का दरिया। पूरे दरिया को तैयार करने में, यानी कि हम इसको छान के फिर अभी एक क्रिया और है उसको भी दिखाऊंगी, उसको भी करके मात्र 5 मिनट लगा होगा, न तो इसमें ज़्यादा मेहनत लगता है
और ना ज़्यादा कोई खर्च लगता है। तो जैसे कि ये निकला है इतना, अगर आप चाहो तो इसमें मिला भी सकते हो, ज्यादा मोटा नहीं है, नहीं तो हम इसको गाय को डाल देते हैं। ये दरिया एक प्रक्रिया से गुजर गई है। अब ये आटा छानने वाली छन्नी है जो कि थोड़ा इसमें मोटा मतलब आटा छानने के लिए है। तो इसमें देखिए ये नीचे सूजी जैसा चूर्ण इसमें निकल रहा है, तो इसको हम निकाल देते हैं। जहाँ दरिया बनता है वहाँ भी ऐसा ही बनाया जाता है ये, कहे कि अगर ये रहेगा तो दरिया पकाते समय काफ़ी जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। अब ये देखिए ये आपकी दरिया तैयार हो गई। मैं और इसको छान के दिखा रही हूँ। तो ऐसे हम पूरे दरिया को छान लेंगे। ये आटा है तो ये सूजी जैसे आटा, और ये काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जैसे कि डॉक्टर बताते हैं अगर किसी की पाचन क्रिया कमज़ोर हो तो इस चोकर टाइप का, इस चोकर है मतलब इसको चोकर या सूजी कुछ भी बोल लें, इस टाइप के आटे की थोड़ा मोटी रोटी खिलाना चाहिए उसको। जैसे कि ये थोड़ा सा मोटा है तो आप क्या करेंगे इसको कि इसको जैसे आधा किलो आटा है तो उसमें एक मुट्ठी डाल के रोज के आटा हम बनाएंगे। ये दरिया आपका ये तैयार हो गया, आपका दरिया एकदम जैसे आप बाजार से दरिया, जैसे कि अब मैं आपको मैं इसी कटोरे में गेहूं रख के दिखाई थी तो भरा हुआ था, तो इसमें ये इतना ये चीज निकला है इसमें। इसको आप सूजी भी बोल सकते हो, ये इसको आप सूजी भी बोल सकते हो, आप इसका हलवा भी बना सकते हो, कुछ भी पदार्थ सूजी जैसे है लेकिन आटा में डाल के सान लो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो दरिया बनाई हूँ घड़ी के टाइम से, एक किलो का दरिया बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगा है, शुद्ध दरिया तैयार है आपका। घर में ऐसे ही गेहूँ ले आकर जब भी बाजार से गेहूँ लाए तो उसको धो जरूर लें। कभी कभी कांच की चूड़ी ऐसे कुछ भी उसमें ऐसे लगता है दिखने में कि साफ है पर आप उसको देख लें कंकड़ वगैरह रहते हैं, हल्का सा उसको धो जरूर लें। अगर दरिया का उपयोग करती हैं घर में तो जरूर बनाइए दरिया, मैं आपको बनाना बताई हूँ। इसी प्रकार के हेल्दी और काफ़ी शुद्ध रसोई टिप्स मैं आपको आगे भी बताऊँगी, तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।